Hi guys, welcome back onto my YouTube channel, and this is me, Aprajita Chaudhary, and this is the first video of daily vlog ka series ka ye pehla video hai. Today is 30th of December, so it is going to be a combined vlog of 2 days, like 30 and 31st, so I can put it on 1st of January, and there are a lot of things jo ki mujhe batana hai aap logon ko, bahut sari cheeze hain. Finally we are doing daily vlogs. I'm so much excited and nervous bhi hoon ki agar nahi kar paaye, agar daily vlogs nahi aa paaye to kabhi aap mujhe maaf bhi kar dena please. Guys, jitne bhi yahan pe naye audience hai unke liye main batana chahungi ki मैंने डेली व्लॉग्स का बहुत टाइम से सोच रखा था, तो मैंने सोचा नए साल से मैं नए डेली व्लॉग्स लेके आऊंगी, तो इस वजह से ये व्लॉग का सीरीज अब स्टार्ट हो रहा है. अभी बज रहे दोपहर के 2, मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया, तो आई डोंट नो मैं क्या खाने वाली हूँ. और साथ ही मुझे जाना है सैलून, नए साल के लिए नया लुक लेना है. एंड ऑब्वियसली मेरे बाल काफी खराब हो रहे हैं, डैंड्रफ हो रहा है बहुत ज्यादा, बालों में ना भी डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो रहा है और बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो गए हैं बाल. मैंने वो केरा स्मूथ कराया ना, उसके बाद से आप देख सकते हो टेक्सचर ही चेंज हो गया है बाल का. और मैं घर भी जा रही हूँ, तो आई हैव टू यू नो गेट इन अ प्रॉपर वे, ताकि मुझे भी आने वाले 3-4 महीनों तक कोई भी टेंशन ना रहे, क्योंकि हम कैसे लगते हैं ये हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा एक मेन चीज़ है, कि आपके लुक्स कैसे हैं ये आपको हेल्प करता है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में. स्पेशली इन माय केस, अगर मैं अच्छी लग रही होती हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है, मैं लोगों से बात कर सकती हूँ, इंटरेक्ट कर सकती हूँ, कॉन्फिडेंटली घूम सकती हूँ. लेकिन अगर मुझे पता रहता है कि मैं अच्छी नहीं लग रही, देन मुझे बहुत ज़्यादा ये लगता है कि नहीं यार, नहीं मैं तो बेकार लग रही हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू गेट आउट, ऐसा रहता है, आई आइसोलेट माई सेल्फ. तो इस वजह से अच्छा लगना सबको पसंद है. एंड ऑल्सो हम नए साल पे नए सैलून पे जाएंगे. एंड आई एम सो सॉरी गाइस, ये पीछे जो आवाज़ आ रही है ना बहुत डिस्टर्बिंग है, मैं खुद परेशान हूँ. अब बस कुछ दिन, उसके बाद तो मैं घर चले जाऊँगी, तो इस आवाज़ से मेरे को छुटकारा मिलेगा. फिर घर के आने के बाद शायद ये बंद हो जाए काम वगैरह. तो अभी मैं पहले कुछ खाने का देखती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं सैलून. हाय गाइस, तो मैं आ गई हूँ सैलून, और आप में से काफ़ी लोग अब सैलून के लिए क्वेश्चन पूछोगे. तो ये है बजाज मैंशन के जस्ट सामने वाली बिल्डिंग में, अर्बन हेयर्स नाम है सैलून का, और अभी न्यू ही ओपनिंग हुई है, तो मैं यहाँ पे आई. ऊपर में है लेडीज़ का, नीचे में लड़कों का है, लेकिन अभी नीचे में ही सबका कर रहे हैं. यहाँ के जो ओनर है, स्टाफ है, सबका बिहेवियर काफ़ी अच्छा है. उन्होंने खुद मुझे बोला कि आपके बाल में मतलब क्या क्या इशूज़ हैं, फिर उन्होंने बताया कि आप ये वाला ट्रीटमेंट लो, एंड उन्होंने मुझे स्मूदनिंग का सजेस्ट किया, जिससे मेरे बाल मैनेजेबल भी हो जाएंगे और अच्छे भी लगेंगे. और फिर उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया. सबसे पहले तो हुआ हेयर वॉश, और गरम गरम पानी से धोया, ठंडे पानी से नहीं धोया, यही अच्छी बात है, सर्दी में तो इतनी सर्दी लगती है कहीं बताऊँ. और फिर बस मैं आराम से अपनी आंखें बंद करके अपना शैम्पू करा रही थी. सर्दियों में कोई और शैम्पू कर दे, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता. एंड यहाँ पर जो प्राइस पॉइंट है वो आप सुन के शौक हो जाओगे, मतलब शैम्पू और हेयर कट सब कुछ मिला के ओनली 100 रुपीज़, वो भी लड़कियों के लिए, तो बहुत बहुत कम प्राइस है ये, क्योंकि इससे कम में पूरे लैंडमार्क में, पूरे यह कोटा में ही नहीं मिलेगा आपको. फिर इन्होंने मेरा हेयर को ड्राई किया, उसके बाद बालों को मेरे डीटैंगल किया, जिससे कि बालों में उलझने ना रहे, क्योंकि अभी वो क्रीम लगाएंगे ना वो स्मूदनिंग वाली, तो उसके लिए डीटैंगल करना ज़रूरी है. और जो प्रोडक्ट इन्होंने यूज़ किया है वो भी इन्होंने मुझे सब कुछ बताया उसके बारे में. लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब कुछ इंक्लूड करके 2 से 3 घंटे लगे, और फिर पूरा प्रोसेस हो गया. फिर वहाँ पे एक और लड़की बैठी हुई थी, वो भी अपना स्टीम वगैरह करा रही थी, बालों का ट्रीटमेंट. एंड लास्टली इन्होंने मेरा बाल स्ट्रेट किया और प्रोसेस को कंप्लीट किया, और ऐसा लुक आ रहा था, बहुत ही सिल्की शाइनी ग्लॉसी हेयर्स हो गए थे मेरे, बहुत अच्छा रिजल्ट था. आई लव माई हेयर्स, थैंक यू सो मच. आप यहाँ ज़रूर आके विजिट करना. एंड गाइज, अगर आप उनको बोलोगे कि आप मेरे ब्लॉग देख के आए हो, तो डेफिनेटली आपको और डिस्काउंट मिलेगा. ये पूरे लैंडमार्क में सबसे चीप प्राइस में सबसे बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं. और फिर ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, जब नेहा कराने आई थी अपना हेयर कट 31st को, और मेरा हेयर वॉश भी कराना था इस दिन, तो वो हो नहीं पाया सैडली. फिर हम लोग यहाँ पे चूज़ कर रहे थे कि इस पेज में सबसे ज़्यादा हैंडसम कौन है. गाइस, नेहा का मानसिक संतुलन जो है बिगड़ चुका है. ये नेहा अपना हेयर वॉश करा रही है. स्पेशल खाना आज का पानी पूरी है, और छोले भटूरे हैं, टिक्किया है, और इधर है खाने में ये सब. और इधर खाना खत्म हो गया. ये
मेरा तो बस ये पानी पूरी देख के पेट भर गया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं खा सकती मैं। गाइस कुछ देर में आ जाएगा हैप्पी न्यू ईयर 2024। मुझे कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट तो है नहीं, बट हाँ फिर भी नया साल है, नई नई चीजें होंगी। और आपको पता है मेरा न्यू ईयर किस तरह से मनने वाला है? इस तरह से। ये रहा मेरा ब्लैंकेट और ये हूँ मैं, और मैं सो के मेरा न्यू ईयर मनाने वाली हूँ। क्योंकि एज अ स्टूडेंट, एज अ हॉस्टल लाइफ में आप कहीं पार्टी वार्टी करने तो जा नहीं सकते, तो इससे अच्छा अच्छा खाना खा लो, वही होगी, बन गई न्यू ईयर खत्म। अभी तो रात के 12 बजे मजा आएगा, उस टाइम सबको यहाँ पे चिल्लाते हैं हैप्पी न्यू ईयर। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे हॉस्टल के पास कैसा लगता है जब न्यू ईयर होता है और कैसे बच्चे चिल्लाते रहते हैं। मूंग का हलवा और चाट भी है, वो भी बना था हॉस्टल में, तो वो दोनों चीज़ें लेके आ गई। ऊपर छोले भटूरे सब कुछ थे, लेकिन खाने का मन ही नहीं। जब इतना कुछ खाने को दे दो ना, तब खाने का मन ही नहीं करता हॉस्टल में, और जब मन करता है तब खाने के लायक कुछ होता नहीं है। और आज मैं गई थी मेरा हेयर वॉश कराने, जो कि हो नहीं पाया सैडली, क्योंकि आज संडे भी था तो बहुत भीड़ था सैलून में, उस वाले में। और वो भैया काफ़ी अच्छा करते हैं, और निया ने कराया अपना बाल, ट्रिम ट्रिम कराया उसने, अच्छा लग रहा है उसके ऊपर, अच्छा लुक आया उसका। मैं तो बस अभी यूँ बैठी हुई हूँ, अभी कुछ वेब सीरीज मेरे को एक अभी मैं वैम्पायर डायरीज का सीजन 6 देख रही हूँ, तो अभी बैठ के वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसा जाता है न्यू ईयर। प्रोटेंडर वगैरह रहेगा सब। हाँ ओके। एंड जिस भी ये आएगा ये वाला साइड वो पूछेगा। ओके जो भी सबसे अच्छे से गाना आता है। केसरिया गाने, केसरिया नॉर्मल सबको लिरिक्स याद है ना उसके, इसीलिए। लेकिन वो बहुत कॉमन है ना, इससे तभी चलो पहली नंबर। अरे भाई न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रही है हमारी, सब हॉस्टलों से निकल के चालू है। फाइनली अभी है 1 जनवरी, रात के बज रहे हैं 1:27, और मैं यहाँ पे खा रही हूँ। मैं दिखाती हूँ क्या खा रही हूँ। ये है मेरा खाना, ये चाट है पूरा मसालों से भरा हुआ, जो कि 5 घंटे से ऐसे रखा हुआ है, इस वजह से ये पूरा ना आइसक्रीम की तरह बन गया था। अब मैं इसको खा के बस सोऊंगी, क्यों बहुत थक गए। कोल्ड ड्रिंक भी पड़ी हुई है मेरी, मैंने पीना छोड़ दिया था, बट फिर भी कोल्ड ड्रिंक आज पी लिया, न्यू ईयर था इसलिए। अभी मैं सो जाती हूँ और मिलते हैं कल के व्लॉग में। बहुत कस के नींद आ रही है। बाय बाय, गुड नाइट।